Welcome back. Now the curtains have fallen on the campaigning in Uttar Pradesh. Campaigning for the seventh and last phase of the assembly polls in UP has ended. Fifty-four constituencies spread over nine districts went to the polls in this phase, and we've been getting some uh, reactions from our viewers who have uh, been putting out these cool messages. First, the Chief Minister Dityanath saying that the people of Badohi district have decided to make service security and good governance. Victorious at every booth, seeing the unprecedented support for development and nationalism in Badoi district, the Pariyar, uh, Parivarwadis are restless with the blessings of the public. A massive victory for the BJP is sure here. He thanks Badoi. Meanwhile, Rohit Agarwal has uh, cooed that the changing color of the board in the DM's office in Ayodhya shows that the BJP is sure to be wiped out in these elections. The way in which the BJP has done the work of ruining the state for five years, it is hurting every person. So meanwhile the biggest of the spectacles of these assembly elections in Uttar Pradesh was reserved for the last befittingly for the ancient city of Varanasi. All eyes have been on Varanasi in the last few days where the Prime Minister Modi has been holding roadshows and campaigning extensively in sanketupade. sent us this report. आसपास के क्षेत्र को भी हमने देखा है ब्रजमे में तो मैं बहुत समय रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं तो इस चुनाव में अलग अलग लोगों ने मुद्दे बनाने की कोशिश तो की लेकिन मुद्दे दो ही बने हैं इस सुनाव में। एक डेवलपमेंट और एक गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट कौन कर सकता है डबल इंजन की सरकार कर सकती है गुड गवर्नेंस कौन ला सकता है मोदी और योगी जी ला सकते हैं मोदी जी और योगी जी ला सकते हैं यही चुनाव में मुद्दे रहे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे चरण अब सातवां हो रहा है हर चरण में हम घूम रहे हैं और लगातार एक मुद्दा बेरोजगारी का और गांव अगर आप चले जाएं तो सांड और आवारा पशु का ये आपको गांव गांव में सुनने को मिलता है आपको ये। नहीं लगता पर है ये रोजगार लोगों के अवसर कब बढ़ते है जब शांति स्थापित हो शासन में अगर गुंडा राज रहेगा किसी की एफ भी नहीं लिखी जाएगी किसी के के व्यापारी बच्चे का अपहरण हो जाएगा और कार्रवाई नहीं होगी कौन इन्वेस्टमेंट करना आएगा जब इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा तो रोजगार के अवसर कैसे सर्जित होंगे ये इन पांच सालों में माहौल बना इन्वेस्टमेंट का इसलिए जनता चाहती है कि हम रिपीट करें ताकि हमें रोजगार का अवसर आगे ज्यादा मिले तो आपको लगता है ये जो पांच साल थे ये वो माहौल बनाने में गए और अब जो है वो उम्मीद लोग जगह बनाई है इन्वेस्टमेंट आया भी है आप देखे ना आंकड़े देख लीजिए अखिलेश जी के जमाने के आंकड़े देख लीजिए इन्वेस्टमेंट के मायावती जी के जमाने का आंकड़े देख लीजिए इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट आया है लोग वापिस आने लगे पहले भाग रहे थे चीनी मिलें कितनी चालू हुई है तो रोजगार का अवसर बढ़े भी हैं लेकिन सरकारी नौकरियां भी तो नहीं मिली बहुत सारी पुलिस की भर्तियां नहीं हुई पेपर जो है वो पेपर भर करके लोगों की भर्तियां नहीं हुई ये भी इसी प्रदेश में देखिए अखिलेश जी कई बार भर्ती का विषय लाते हैं लाते हैं लेकिन ये अखिलेश जी के जमाने में भर्तियां हुई है और लोग जानते हैं भर्तियां कैसी हुई लोग जानते हैं भर्तियां कैसी हुई ऐसा हम वर्ग विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए हम भर्तियां नहीं करेंगे जी हमारे यहाँ लिए होगी सबके लिए खुलेगी यहाँ पर जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो बहुत सारे लोग जो स्थानीय विधायक हैं हैं या जिस प्रक्रिया से वहां पर जमीन की उससे नाराज हैं कि तोड़फोड़ कर दिया आपने बहुत सारी धरोहर जो है उसको त, तहस नहस कर दिया इस आरोप पर आप जवाब कैसे देंगे ये कोई आपका परसेप्शन हो सकता है मुझे लगता है कि सबने सहयोग किया करीब तीन से ज्यादा ऐसे लोग थे 354 या ऐसे लोग थे सबकी सहमति बनी कि माँ गंगा से स्नान करके सीधे के माध्यम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन होने से धरोहर रही है काशी की सबने सहयोग किया समझाइश की गई सबने सहयोग किया तो मुझे तो लगता है सबके सहयोग से ही हो पाया नहीं तो हो, हो, कह, ये तो असंभव काम था ना लोग तो कह ही रहे थे हमारे विपक्ष वाले कि ये मोदी जी ने ऐसे कैसे कह दिया कुछ लोग गए थे पार्षद मुझे बता रहे थे अः तो उन्होंने कहा सोमनाथ मंदिर को देखा है क्या तो उन्होंने कहा मैं सोमनाथ मंदिर जैसा बनाऊंगा यहाँ जब लोग आए उन्होंने तो कहा ऐसा कैसे कह दिया कोई गलती से तो नहीं कह दिया ये बन गया जी हुँ. तो ये असंभव काम को कोई संभव कर सकता है वो नरेंद्र मोदी कर सकता है लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक सद्भावना का अच्छा प्रतीक होता अगर बगल में जो मस्जिद है उसका भी विकास हो जाता वहाँ पर भी आप एक कॉरिडोर बना देते एक सद्भावना का प्रतीक हो जाता नाम हो जाता सरकार का नहीं ये, ये सर्वजन, ये, ये नहीं सर्वजन होना क्या ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल साफ सफाई सारी धरोहर जो है उनको ये नहीं होना चाहिए था क्या और उसके बगल में एक मस्जिद भी है क्या उसका नहीं मस्जिद है ना तो उसका भी कॉरिडोर बन नहीं नहीं ये 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 नहीं होना चाहिए बताओ मुझे ये तो मैंने कभी कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए ऐसा आप सोच रहे हो जैसे ये नहीं होना चाहिए हो हो ऐसा नहीं है, होना था। जनता की है। एक मेरा सवाल जी और मेरा आखिरी सवाल ये है कल प्रधानमंत्री रात में वाराणसी कैंट स्टेशन गए एक विपक्ष की तरफ से आरोप ये लग रहा है कि जब कैंपेनिंग बंद हो गई तो क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं वो रात भर तक बंद बंद कर रहे थे। हो से मेरा मतलब कि एक टाइम होता है ना जिसके बाद माइक नहीं लगा सकते ये आप और बोल रहे हो मैं तो आदर, आदर आदर सही देख तक देख रहा हूँ संपर्क कर सकते हो हाँ। ना घर घर संपर्क करने के लिए किसने मना किया दूसरे भी करे कोई एंड जस्ट हेड ऑफ दिसम्बली इलेक्शन इन यूपी मायंक जोशी सन ऑफ द बीजेपी एम रीटा बहुगुना जोशी Join the Samajwadi party. Now, uh, he was uh, introduced. This announcement was made by the SP chief Akhilesh Yadav while addressing a rally in Azamgarh. In January, Rita Bahuguna Joshi, who was initially with the Congress, sought a ticket from the BJP for her son to contest the UP assembly elections from the Lucknow cantonment seat. She then went on to say she would give up her Lok Sabha membership if her son does not get a ticket. But after her son was denied a ticket, she said she respected the decision of the uh, party.